अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आई होप यू ऑल फाइन आई एम इफिन खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पिछले दो पार्ट में हम मोनोसैकेराइड uh, के इंट्रोडक्शन ले चुके हैं फैमिली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा uh, उसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं एपिमर्स को देख चुके हैं और आज हम पार्ट थ्री में साइक्लिक uh, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की सो लेट्स स्टार्ट बिस्मरिम Uh, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के फॉर सिम्प्लिसिटी वी रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ अल्डोजेज एंड किटोजेज ए स्ट्रेट चेन मालिक्यूल की सिंपलिसिटी के लिए तो हम स्ट्रेट चेन मालिक्यूल जो है वो स्ट्रक्चर ही ड्रा करते हैं लेकिन इनफैक्ट एक्वा सोलूशन में मोनोसेक्राइड जो हैं वो अकर्स करते हैं एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कि अगर जब ये एक्वा सोलूशन में होते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं अब जब ये साइकिल स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये साइकिल स्ट्रक्चर बनती कैसे है ये आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे लेकिन ओवरऑल ये रिंग बनने में एक जो बेसिक रिएक्शन होता है या जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वो अल्कोहल का और अल्डीहाइड या कीटोन का रिएक्शन होता है और जैसे डेरीवेटिव बनता है जिसको हम हैमी एसिटल या हेमी कीटल कहते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे बनते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल या हेमी कीटल अब एक अल्डी है और जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल बनता है अगर अगेन एक और मालिक्यूल अल्कोहल का ऐड हो जाए तो फुल एसीटल जो है वो बन जाता है इसी तरह अगर हम कीटोन की बात करें तो अगर वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा हेमी एसिटल मतलब जब पहला रिएक्शन होता है तो हेमी एसिटल बनता है और अगर अगेन अल्कोहल जो है वो ऐड होगी तो ये कीटल कंपाउंड जो है वो बन जाएगा अब यहाँ पर गौर करें कि जो अल्डीहाइड है या कीटोन है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रही है वन वन रेशो में जब वन वन रेशो में ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल बन रहा है और क्रिएटिंग अ न्यू कायरल सेंटर एट द कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है वो एक न्यू सेंटर जो है कायरल सेंटर जो है वो बन रहा है लेकिन जैसे ही अब एक सेकेंड मालिक्यूल आया है तो फिर आ, इसने एसीटल या कीटल जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है नेक्स्ट अल्फ़ा uh, और बीटा कन्फिगोरेशन क्या होती है अब जब रिएक्शन होता है ना फर्स्ट मालिक्यूल के साथ अल्कोहल की तो एक एडिशनल कायरल सेंटर बन जाता है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अब ये uh, ये एडिशनल जो कायरल सेंटर बन चुका है अब इसकी वजह से बेसिकली uh, इसके दो कन्फिगोरेशन बन जाते हैं वो कैसे क्योंकि अल्कोहल जो है बिकॉज द अल्कोहल कैन एड इन आयदर ऑफ द टू वेज कि ये दो तरीक़ों से अल्कोहल जो है वो एड होती है या ये अटैक करेगी आयदर द फ्रंट और द बैक ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन तो इस रिएक्शन के नतीजे में कैन प्रोड्यूस आयदर ऑफ द टू स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरी कन्फिगोरेशन जिसको हम अल्फ़ा या बीटा कन्फिगोरेशन कहते हैं अब इसकी एग्जाम्पल में अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो एग्जिस्ट करता है सोलूशन में एज अ इंटर मोलिकुलर है एसीटल की फॉर्म में Uh, ये देखिए नेक्स्ट uh, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐड किया है कि ग्लूकोज़ uh, की हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि जिसमें वो अब इंट्रामोलेकुलर हैमी एसिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट uh, करता है सोलूशन में जिसमें फ्री जो हाइड्रोक्सल uh, ग्रुप uh, है ये बेसिकली रिएक्ट करता है विद द कार्बन नंबर वन जो अल्टीहाइडिक uh, हमारे पास है उसके साथ फिर रेंडरिंग द लेटर कार्बन एसमेट्रिक बाकी कोसमेट्रिक छोड़ देता है और टू पॉसिबल स्टीरियो बनाता है, जिसको अल्फा या बीटा कहते हैं अब रिएक्शन तो बेसिकली वही होता है जो हम बात कर चुके हैं कि जो अल्डीहाइड एक वन है कार्बन उसके साथ और हाइड्रोक्सल जो फाइव कार्बन पे है उसके साथ और फिर ये दो आइसोमर जो है ये बना देता है नेक्स्ट अब एनोमर्स की आ, जो है वो बात करेंगे क्या होते हैं ये बेसिकली आइसोमर्स देयर कंफिगुरेशन अबाउट द हेमी एसिटल और हेमिकीटल कार्बन आइटम तो इनको हम एनोमर्स कह देते हैं और कार्बोनोइल कार्बन आइटम ही जो है उसी को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं अब यहाँ पे नीचे ये दो एग्जांपल्स हैं अब ये अल्फ़ा डी फ्रोक्टोफ्यूरानोज है और दूसरा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज है अब ये बीटा क्यों है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है और अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करनी है कि नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आ, नेक्स्ट बात करते हैं जी पायरानोज और फ्यूरानोजेस की जो पायरानोज़ हैं ये सिक्स मेंबर रिंग कंपाउंड्स होते हैं इ, इनको ही क्यों कहते हैं बिकॉज दे रिजेंबल सिक्स मेंबर रिंग कंपाउंड पायरन ये हम नेक्स्ट जो है वो डायग्राम में देखते हैं कि क्या होते हैं पायरानोज और पायरन इसके अलावा फिर इनका एक सिस्टमेटिक नेम भी होता है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आ, इसके बाद आ, हम बात करते हैं कि कीटो हैगजोज की एज ए फ्रोक्टोज वो भी साइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन नंबर फाइव या कार्बन नंबर सिक्स पे होता है वो रिएक्ट करता है विद अ कीटो ग्रुप जो कि कार्बन नंबर टू पे प्रेजेंट होता है और फ्योरानोज रिंग बन जाती है बेसिकली जो डी फ्रुक्टोज है वो रेडिली फ्यूरानोज रिंग ही बनाता है और मोर कॉमन जो इस शुगर का एनोमर है कंबाइंड फॉर्म में वो ये है बीटा डी फ्रोक्टो जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में एनोमर्स में अच्छा अब ये नेक्स्ट है जी आ, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पायरानोजिज और फ्योरानोजिज़ की अब जो पायरानोज रिंग है डी ग्लूकोज और फ्युरानोज फॉर्म जो डी फ्रुक्टोज की है वो यहाँ पर एक हावर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूला की शक्ल में दिखाई गई है इसको भी हम डिस्कस करते हैं ये क्या होता है हारवर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूला और इसके अलावा ये जो पेरेंट आ, है ना वो ये चीज़ होती है पायरन और फुरान ये जो पायरन है ये सिक्स मेंबर है क्योंकि यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पे एक, आ, जो है वो ऑक्सीजन होती है अपर राइट कॉर्नर पे तो यहाँ से फिर ये एक सिक्स मेंबर बनती है और ये फाइव मेंबर है फ्यूरान की एग्जांपल के बिल्कुल वो उसी का एक पेरेंट कंपाउंड फ्यूरो है इसी को ही जो है वो कंसिडर करते हुए जो है वो फ्रुक्टोज का के जो है वो दो कन्फिगोरेशन बनती हैं अल्फ़ा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज़ और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज़ ऐसे ही पायरानोज की जब बात करेंगे क्योंकि ग्लूकोज सिक्स कार्बन है और पायरानोज की जब हम बात कर चुके हैं कि ये सिक्स मेम्बर्ड कंपाउंड होते हैं और जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे साइक्लिक तो उसको हम कहेंगे जी अल्फ़ा डी ग्लूको अब अल्फा इसको क्यों कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल नीचे है ये भी हम नेक्स्ट इसका थोड़ा सा नॉर्मल क्लियचर आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको नेम देना है और कैसे हमने ये देखना है कि अल्फ़ा कौन सा है और बीटा कौन सा है नेक्स्ट हावर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूला साइक्लिक जो शुगर स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट की जाती हैं हावर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूलाज के ज़रिए और इसमें होता क्या है हावर्ड्स प्रोजेक्शन uh, में जो सिक्स मेंबर रिंग है उसको टिल्ट किया जाता है टू मेक इट्स प्लेन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू डेट ऑफ द पेपर के uh, जो उसके प्लेन uh, है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाए टू डेट ऑफ द पेपर और इसके जो बांड्स हैं जो रीडर के क्लोजेस्ट होंगे उसको हम जरा थिकर ड्रा करेंगे इसके अलावा जो फार्दर अवे होंगे उनको हम थिकर नहीं रखेंगे अब नेक्स्ट ये जो है वो एक नॉर्मल क्लेचर भी साथ साथ हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन से हारवर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूला जो है वो हम कैसे बनाएंगे अब यहाँ से सबसे पहले हमने एक सिक्स मेंबर जो है वो रिंग जो है वो ड्रा करनी है हम पीछे देख चुके हैं पायरन को कि उसमें फाइव कार्बन होती हैं और एक ऑक्सीजन है जो कि अपर राइट पे लगा देते हैं ये जस्ट अभी हम ये पायरन की बात कर रहे हैं ये एच और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप इग्नोर करें हम यहाँ से हम आ, यही स्ट्रक्चर अब बनाएंगे अच्छा उसके बाद हमने फिर क्या करना है इसको नंबरिंग दे देनी है इसी रिंग को वन टू थ्री फोर फाइव और ये जो सिक्स है ये इसको बाद में आ, जो है वो देखा जाता है कि ये डी इन के लिए इसको ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे एलन एंड शुमर में अच्छा अब नेक्स्ट अब आ, बात करते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने कैसे लगाने हैं और इसके लिए हमें फ़िशर प्रोजेक्शन फार्मूला की जरूरत पड़ती है अगर तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे है देन हम इसको आ, जो है वो डाउन पोजिशन पे रखेंगे आ, बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग इन हावर्थ प्रस्पेक्टिव और अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा फिशर प्रोजेक्शन में तो हम इसको हारवर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूला में जो है वो अप लिखेंगे पॉइंटिंग अप इट्स मीन अबव द प्लेन इन हार्वर्थ प्रस्पेक्टिव अब जब ये सारा कुछ हो गया कि मैंने ओवरऑल बता दिया कि अगर राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल होगा फिशर प्रोजेक्शन में तो हम उसको हावर्थ प्रस्पेक्टिव में Uh, जो है वो डाउन लिखेंगे बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग और अगर ये uh, जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हारवर्स प्रस्पेक्टिव फार्मूला में हम इसे uh, जो है वो पॉइंटिंग अप रखेंगे इट्स मीन अबव द प्लेन इन द हार्स प्रस्पेक्टिव अब हम बात करते हैं ये टर्मिनल सी एच टू ओ एच की जिसमें यह है कि अगर तो इसको ऊपर लिखा गया है तो ये डी नेंशमर होगा लाइक यहाँ पर देखें डी है और जब अगर ये डाउनवर्ड लिखा जाएगा तो ये वो एल इन एनशोमर की फॉर्म में लिखा जाएगा अब यहाँ पर दूसरी भी बात कर लेते हैं जैसे हमने पीछे बात की कि एनोमर्स क्या होते हैं अगर हाइड्रोक्सिल है ग्रुप हमने कहा था कि जब नीचे होगा तो ये अल्फ़ा होगा लेकिन अगर ये ऊपर होगा तो बीटा कन्फिगोरेशन में जाएगा नेक्स्ट म्यूटा रोटेशन अब म्यूटा रोटेशन अब बेसिकली क्या है कि इसके जो अल्फ़ा या बीटा एनोमर्स होते हैं डी ग्लूकोज के ये इंटरकनवर्ट होते रहते हैं एक्वा सोलूशन में लाइक ये अब डी ग्लूकोज है और ये जब एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर अपनी बना रहा है तो ये दो बना देता है एक अल्फ़ा uh, की फॉर्म में और एक बीटा की फॉर्म में और बेसिकली होता क्या है कि इसमें जब एक रिंग पहले बन जाती है फॉर एग्जांपल वो अल्फ़ा ही बनी अल्फा एनोमर्स बनी अभी अब ये बन गई तो ये थोड़ी देर बाद ओपन होती है ब्रीफली एक लीनियर फॉर्म में फिर दोबारा क्लोज हो जाती है बीटा एनोमर्स में इट्स मीन कि एक सोलूशन अगर हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज़ का है या अल्फ़ा डी ग्लूकोज का है तो इवेंचुअली वो एक आइडेंटिकल इक्विलिब्री मिक्सचर बनाएगा जिसमें जिनकी आइडेंटिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी तो इसका मतलब इस मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ अबाउट के एक वन थर्ड अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ होंगे और टू थर्ड बीटा डी ग्लूकोज होंगे इसके अलावा वेरी स्मॉल अमाउंट होगी ऑफ द लीनियर एंड द फाइव मेम्बरिंग ग्लूको फ्यूरनोज फॉर्म की अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं जी चेयर कन्फर्मेशनल फार्मूलाज ऑफ पायरानोजिज की हा, जो हावर्थ प्रस्पेक्टिव फार्मूला है वो तो सिर्फ यूज़ किया जाता है टू शो द स्टीरियो ऑफ द रिंग फॉर्म ऑफ द मोनोसक्राइड लेकिन ऐसा होता नहीं है ये जो सिक्स मेंबर पायरानोज रिंग है इतनी प्लैनर नहीं होती लेकिन ये क्या करती है टेन टू एज्यूम द टू चेयर कन्फॉर्मेशन दो चेयर कन्फर्मेशन जो है वो अज्यूम करती है ये लाइक जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है अब ये जो पहली दो चेयर कन्फर्मेशन है ये बीटा डी ग्लूको के लिए हैं अब ये फॉर्म आपस में इंटरकनवर्टेबल नहीं है लेकिन जब इनको इंटरकनवर्टेबल हमने करना है तो इसके लिए हमें 46 सिक्स किलो जाओल ऑफ एनर्जी पर मोल ऑफ ग्लूकोज सॉरी शुगर जो है वो रिक्वायर्ड होगी टू फोर्स द इंटरकनवर्जन ऑफ़ द चेयर फॉर्म्स इसके अलावा जो अल्फ़ा डी ग्लूको आयरन की चेयर फॉर्म है वो ये है और यही मोस्टली जो है इसकी चेयर फॉर्म जो है वो ड्रा की जाती है सो आई होप यू गेट द आइडिया थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह हाफिज़